और घर में नई प्रेरणा नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती है तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती है, उसे प्रकट करती है। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा। गुमंत ही मेरी जिंदगी थी। हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था, बच्चे मुझे कहते थे, नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकाल क्षेत्र भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित है। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की बहुत ही रोचक पद्धति है। इसे बिल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। भारत में कठपुतली की जीवन परंपरा भी रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापिस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं। चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है। वहीं कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की दो वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही है। गीता रामानुजम ने kathalay.org में कहानियों को केंद्रित किया है। वहीं द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क के जरिए भी अलग अलग शहरों के स्टोरी टेलर्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बेंगलुरु में एक विक्रम श्रीधर है जो बापू से जुड़ी कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित है। और भी कई लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। आप जरूर उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करें।